हेलो दोस्तों, माई सेल्फ के द यूनिक ट्रेवलर। आज मैं अपने बच्चे जो आकर्ष और अनवी है, इसको मैं रेल म्यूजियम दिखाने के लिए ले जा रहा हूं। और वहां पर अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो जोरबाग मेट्रो जो येलो लाइन पे पड़ता है, आप वहां पर जा सकते हैं। वहां से 2 किलोमीटर अराउंड पड़ेगा, तो आप वहां से ऑटो रिक्शा वगैरह लेकर जा सकते हैं। तो हम लोग अब पहुंच गए हैं, अब ये रहा पार्किंग एरिया, अब चलते हैं अंदर। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से हम लोग टिकट ले लेते हैं। ये देखिए टिकट के रेट्स यहाँ पर डिस्प्ले करा गया है। वैसे आप समझ लीजिए कि एडल्ट के लिए एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ और बच्चों के लिए 10 रुपीज़। वहीं अगर जॉय ट्रेन राइड करना चाहते हैं तो एडल्ट के लिए 20 रुपीज़ और बच्चों के लिए 10 रुपीज़। तो हमने सिर्फ इसी दोनों का लिया था। वैसे यहाँ बहुत सारे शो भी होते हैं, कुछ 3D शो, कुछ 2D शो, इसके अलावा टॉय ट्रेन राइड, तो बहुत सारे यहाँ पर एक्टिविटीज़ होते हैं। तो ये देखिए एंट्री करते ही यहाँ पर ग्रास पे बना हुआ है, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है नेशनल रेल म्यूजियम का। और आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा एरिया है ये। तो क्योंकि इसमें इस रेल म्यूजियम को बहुत बड़े एरिया में डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसमें आपको आप अगर देखेंगे तो इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की एक्टिविटी यहाँ पर होती है। जहाँ इंडोर में आपको बहुत तरह के, जो पुराने ज़माने में किस तरह से रेल का डेवलपमेंट हुआ, स्टीम इंजन कितने तरह के होते थे, किस तरह से घोड़ा गाड़ी से स्टीम इंजन और फिर बाद में बुलेट ट्रेन तक का जो है ट्रेन ने अपना सफ़र तय किया था, ये भी बताया जाता है। इसके अलावे जो है कुछ 3D शो है जो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये एरिया है जहाँ से आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें जॉय ट्रेन राइड है, टॉय ट्रेन राइड है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरह का जो है रियल ट्रेन के इंजन दे रखे हैं, जिसमें से वो भी ट्रेन आप देखेंगे जो कि 1947 में जब लाहौर से ट्रेन आई थी, लाशों से पटी पड़ी हुई थी वो ट्रेन, वो भी ट्रेन आपको दिखाऊंगा इसमें। तो पहले चलते हैं इंडोर गैलरी में। ये देखिए स्टार्टिंग में दे रखा है कुछ जिस तरह से अभी पास होते हैं VIP पास, उसी तरह से उस समय के पास होते थे, ताकि आप किस एरिया के, किस स्टेट के VIP हों आप पता चलता था इसमें। ये देखिए जब तक ये ट्रेन का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक ये जानवरों से इसको खींच करके इसको बनाया जाता था। फिर बाद में रिचर्ड ट्रेविथिक ने और जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को अपना एक्चुअल रूप दिया। ये दोस्तों ये रिप्रेजेंटेशन है स्टीम सर्कस का, जो कि रिचर्ड ट्रेविथिक ने सबसे पहले जब 6 पैसेंजर्स को लेकर के अपने स्टीम इंजन को यूज करके चलाया था। यह है स्टीफन्स रॉकेट के द्वारा बनाया गया स्टीम रॉकेट लोको। इस तरह से बहुत सारा कुछ है इसके अंदर में। ऐसी घड़ी आपने कई जगह भी देखी होगी। ये VIP लोगों का जो कोचेस होता था वो इस तरह से दिखता था। ये उनका चलता फिरता रेस्टोरेंट। ये ट्रेन तब चलाई गई थी जब महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी, तो उनकी अस्थि को लेकर के पूरे देश में ये ट्रेन चलाई गई थी ताकि लोग उनके अस्थियों को पुष्पांजलि अर्पित कर सकें। ये आज़ादी के समय में ट्रेन का योगदान, जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह तक स्वतंत्रता सेनानी ट्रेवल करते थे। ये है बुलेट ट्रेन। तो आपने देखा कि कहाँ से ट्रेन सफ़र शुरू हुआ था और ट्रेन का सफ़र ये एंड हुआ है बुलेट ट्रेन पर। अभी भी जो अलग अलग तरह के सामान को ढोने के लिए, पैसेंजर को ढोने के लिए अलग तरह कोचेज होते हैं, ये उनकी रेप्लिका दी गई है। अभी आप देखेंगे इसकी रियल पिक्चर्स भी देखेंगे जब हम बाहर जाएंगे इस गैलरी के बाहर। इस गैलरी के अंदर बहुत कुछ दिखाने के लिए है, लेकिन अगर पूरी वीडियो देता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अब जॉय ट्रेन राइड शुरू करते हैं।
दोस्तों, अगर आपको सिर्फ जॉय ट्रेन राइड ही एक्सपीरियंस करना है, उसमें भी आपको अगर रियल ट्रेन जैसा, रियल स्टेशन जैसी अगर साउंड इफेक्ट चाहिए, तो मैंने अलग से जॉय ट्रेन का वीडियो बना रखा है। तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए, के द यूनिट ट्रेवलर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, कैसा लगा आप लोग का आज? हमें तो पता ही नहीं था कि ट्रेन के इंजन भी होते हैं। आपने ट्रेन का इंजन कभी नहीं देखा था? हाँ, नहीं, ट्रेन में जाके तो बस सो जाते थे, कभी देखा ही नहीं था इंजन, आज देखा इतने सारे। चलो बहुत बढ़िया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बच्चों का एक्सपीरियंस कि इस म्यूज़ियम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है अलग अलग तरह की, ट्रेन की इंजन के बारे में, ट्रेन के बारे में। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग भी नहीं जानते होंगे इसके बारे में, तो बच्चे ही हैं। तो ये जॉय ट्रेन की राइड हमारी शुरू हो चुकी है। इस साइड में कई सारे ट्रेन लगे हैं। हम इस राइड को ख़त्म करने के बाद फिर से एक बार देखेंगे जो कुछ स्पेशल ट्रेन है जिसके बारे में मैंने बता रखा है आपको कि दिखाऊंगा मैं। ये क्रेन वाली ट्रेन है। दोस्तों, एक अगर ट्रेन जर्नी में अगर आपको चाहिए ऐसा जर्नी जिसमें कि आप एक जंगल से गुजर रहे हो, बहुत सारे जंगली जानवर अगर आसपास हो, अगर आप ऐसा जर्नी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो एडवेंचर आइलैंड की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। तो प्लीज़ आप क्या कहते हैं यूनिक ट्रेवलर को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो को जा कर के ज़रूर देखिए। उस ट्रेन राइड में जब आप ट्रेन से गुजरेंगे तो आपके साइड में बहुत सारे जंगली जानवर आपको दिखेंगे और वहाँ पर और सारी बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होती है, तो आप उस वीडियो को भी जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह की क्यूरियोसिटी बचपन से हम लोगों के मन में था और कभी हम ट्रेन के नज़दीक भी नहीं जा पाते थे फॉर सेफ्टी पर्पस, तो वो सारी क्यूरियोसिटी यहाँ पर आपको म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल दिया गया जैसे जैसे ब्रिज से कोई ट्रेन क्रॉस करती है। इस ट्रेन जर्नी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें कि ये ट्रेन आपको ऐसा लगे कि ये ट्रेन पहाड़ों से, पठारों से, ब्रिजेस के ऊपर से, हर तरफ से ये गुजरती है, जो एक्चुअल में भारतीय रेल गुजरती है। अब एक टनल आ गया है, अब सुरंग में घुस रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अलग अलग स्टेशन सबको भी विजिट करेंगे, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। ये छोटी सी ट्रैक बनी हुई है टॉय ट्रेन के लिए।
अबाउट ट्रेन। दोस्तों कोविड के बाद हम लोगों ने ट्रेन में सफ़र अभी तक नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर इस जॉय ट्रेन को ट्रैवल करने के बाद भी हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग रियल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा। तो आप लोग के लिए भी यही एडवाइस है कि अगर पॉसिबल हो, टाइम निकलता है, तो बच्चों को ये दिखाने के लिए ज़रूर लाएं। इस वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगा आपको अलग अलग तरह की ट्रेन, चाहे मोनो रेल हो या फिर टॉय ट्रेन हो। अब हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन म्यूजियम जंक्शन। कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा लगा। ये है जॉय ट्रेन का इंजन और ये अलग अलग बॉगीज जिस पर अभी हम लोग अभी ट्रैवल कर चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों, हम जो मेन पार्ट है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आप लोग को कहा था कि आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो है डिफरेंट टाइप के इंजन। तो अब ये देखते हैं, ये इंजन सबको कई बॉलीवुड मूवीज़ में भी शूट किया गया है। ये सब कुछ एरिया है, ग्रीनरी एरिया है, आगे इसके रेस्टोरेंट है। ये देखिए किस तरह से ट्रेन के इंजन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये सब दिया गया है। तो ये स्टीम इंजन है, एक बार इसके अंदर जा करके बताता हूं आपको कि ये काम कैसे करता था। ये उनका प्रेशर गॉज होता था जिससे स्टीम की प्रेशर को कंट्रोल करते थे ये लोग, और इस साइड कोयला भरा हुआ रहता था। और यहां से वो भट्टी में कोयले को डालते थे दोस्तों। ये उस ट्रेन की बॉगी है जिसके बारे में कहा जाता है कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था और दंगा फसाद चल रहा था, तो वहाँ से लाहौर से जो एक जली हुई बॉगी आई थी, अब अगला इंजन देखते हैं। ये देखिए जब पहले जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इसमें कई लेवल होते थे, ग्राउंड लेवल और अपर लेवल, जिसमें जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है अभी भी।
यहाँ पर देश के अलग अलग भूभागों में जो अलग अलग तरह की ट्रेनें चलती हैं उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसको भी हम लोग और देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो यहाँ पर एक सिंबॉलिक रेलवे स्टेशन बनाया गया है, इसको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये रेलवे ट्रैक्स हैं और ये सामने जो स्टेशन दिख रहा है ये है बीकानेर का रेलवे स्टेशन। ये दो पैसेंजर हैं जो बीकानेर से किन्नूर जाना चाहते हैं। अब एक्चुअल में बीकानेर से किन्नूर के लिए ट्रेन है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन था बीकानेर रेलवे स्टेशन का और दूसरा रेलवे स्टेशन दिया है किन्नूर। ये बिल्कुल किन्नूर रेलवे स्टेशन को रिप्रेजेंट किया गया है जो बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए कुछ स्पेसिफिक ट्रेन जो किसी स्पेसिफिक इलाके में चलती है। अब इसके अलावा बच्चों के लिए एक छोटा सा बीच में पार्क बनाया गया है जिसमें बच्चे लोग स्लाइड स्विंग वगैरह का भी मजा ले सकते हैं। तो आप अपने बच्चे के साथ आइए यहाँ पर और उनके लिए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और ये ट्रेन जो है लौट के आ रही है। तो दोस्तों के द यूनिक ट्रेवलर दिल्ली के सभी टूरिस्ट प्लेसेस का वीडियो बनाता रहता है, तो प्लीज़ के द यूनिक ट्रेवलर को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस एरिया को विजिट करने के लिए एक बार जरूर आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।